हेलो फ्रेंड्स, मैंने इन्फोसिस का वीडियो बनाया था, सो उस पर मुझे एक कमेंट बॉक्स में कमेंट आई है। सो देखते हैं क्या कमेंट है। मेरा जो दोस्त है जया, उन्होंने यह कमेंट दी है और फ्रेंड्स उनका यह क्वेश्चन है। सो देखते हैं क्या क्वेश्चन है उनका। उन्होंने कहा है, सर आई एम अटेंडिंग जून 13th एग्ज़ाम। इफ इन्फोसिस रिक्रूटमेंट कंडक्ट नेक्स्ट ड्राइव, आई एम एलिजिबल और नॉट। सो दोस्तों, अगर आप में से बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे जिन्होंने 13th जून की एग्ज़ाम दी होगी या फिर मई 16th मई की एग्ज़ाम दी होगी, सो दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप नेक्स्ट ड्राइव के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों में से बहुत सारे मेरे दोस्तों को आया होगा। सो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है। सो दोस्तों देखिए, इन्फोसिस क्या करती है। इन्फोसिस पिछले 6 महीने में अगर आपने एग्ज़ाम दी है तो आप एलिजिबल नहीं हो। मीन्स फ्रेंड्स, अगर आपने जून में एग्ज़ाम दी है तो आप जनवरी में एलिजिबल हो, बट फ्रेंड्स आपने मई में एग्ज़ाम दी है तो आप जून में एलिजिबल नहीं हो। मीन्स दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको पिछले 6 महीने में इन्फोसिस की कोई भी एग्ज़ाम नहीं देनी चाहिए। मीन्स फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अगर आप पिछले फिफ्थ मंथ में आपने एग्ज़ाम दी है तो फ्रेंड्स आप एलिजिबल नहीं हो, बट फ्रेंड्स आपके अबो 6 मंथ आपने कुछ भी एग्ज़ाम नहीं दिए तो आप एलिजिबल हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप ये मेरा जो ये दोस्त है जया, उन्होंने ये सब वीडियो कर में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछा, आप भी पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, आपको अगर कौन सा भी क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर पूछे, मैं आप लोगों को उस पर वीडियो बनाकर आपको आंसर दे दूँगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।